पर एक अपडेट आपको दें, वीकली एक्सपायरी के दिन आज हमने देखा बाजार में जोरदार एक्शन दिखा। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए। सेंसेक्स करीब 542 अंक टूटकर 65,241 पर बंद हुआ। निफ्टी 144 अंक फिसलकर 382 पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 482 अंक लुढ़क कर 44,513 के लेवल पर बंद हुआ। आज कहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखी गई, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। तो ग्लोबल बाजारों में गिरावट के साथ साथ एफआईएस की जो लगातार बिकवाली हो रही है पिछले कुछ दिनों से, उस वजह से यहाँ पर लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि भारतीय बाजारों पर आपको दबाव देखने को मिल रहा था, जहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे जो इंडाइसेज हैं 0.7% से लेकर करीबन 1% तक लुढ़कते हुए भी नजर आ रहे थे। गिरने वाले शेयरों में यूपीएल, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी में, लेकिन चढ़ने वाले कुछ एक शेयर भी थे जहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक शामिल रहे। 1.5 से 2% तक की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी। स्टॉक्स इन फोकस के लिहाज से IRFC आप देखिए 14% तक की दमदार तेजी आज के सत्र में भी बनती हुई नजर आ रही थी। साथ ही डिक्सन टेक 7.5% के अच्छे खासे गेन्स, DGFT नोटिफिकेशन आने के बाद लगातार ये काउंटर तेजी दिखाता हुआ भी नजर आ रहा था। वेदांता यहां पर 7% तक की गिरावट थी। नतीजों के बाद कंसाई नेरोलैक में भी आज आपको बिकवाली का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था। टॉप गेनर्स के लिहाज से KSB लिमिटेड दमदार नतीजे आते हुए दिखे थे, 17% तक की तेजी यहां पर बनी। IB हाउसिंग पर भी डबल डिजिट गेन्स आज आते हुए नजर आ रहे थे। IDBI बैंक और लॉरस लैब जैसे स्टॉक्स पर भी तेजी का रुझान बना, पर गिरावट कहां थी, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर करीबन 5.5% का फॉल था। साथ ही जिस तरह से GST काउंसिल का क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आया उसके बाद डेल्टा कॉप पे 4.5%, इनफैक्ट इंट्राडे में तो 6-6.5% तक भी ये काउंटर लुढ़कता हुआ नजर आया। इंटरग्लोब एविएशन नतीजों के बाद 4.5% लुढ़का और APL अपोलो पर भी आज आपको दबाव देखने को मिल रहे थे। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर उतार चढ़ाव का मूड माहौल आज के सत्र में भी बनता हुआ नजर आया। अब यही देखना है कि कल जब हम वापस लौटेंगे कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन किस तरह से बाजार ट्रेड करते हैं और क्या रहती है फाइनल क्लोजिंग।